आज हमारे पास है 800 रुपए के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, दैट इज हॉप अप जाइव ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित पिरथियानी एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर लेजी टेक। करेंगे हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग, हालांकि डिसेंट पैकेजिंग है लेकिन ये मेरे पास पहुंचते पहुंचते थोड़ी बहुत यहाँ पे पिचक गई, हल्की फुल्की पैकेजिंग। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे हमें क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, फिर हम चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस। और जस्ट 800 रुपये, लिटरली 800 रुपये के हिसाब से इन्होंने कितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की गई है और इसके कैसे कैसे फीचर्स सब हम इस वीडियो में चेक करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द बॉक्स ऑफ द हॉप अप जाइव ट्रू वायरलेस ईयरबड्स यू विल बी गेटिंग वंस द प्रोडक्ट इज रिसीव्ड टू यू। बिल्कुल आपको डिसेंट यहाँ पे पैकेजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे काफी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए, हम आगे सब चेक करेंगे इसकी डिटेलिंग में क्या क्या इसके फीचर्स एंड ऑल हैं। एंड अगर हम बॉक्स के अंदर कंटेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक कार्ड, इसमें आपको 6 मंथ्स की वारंटी मिलने वाली है, वारंटी कार्ड मिल जाएगा, इसके थ्रू आप अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक यूजर मैनुअल, इसको आप चेकआउट करके सारी की सारी डिटेलिंग, कैसे इसके टच कंट्रोल्स वर्क करते हैं, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, इसमें आप देख करके चेक कर सकते हैं। और आपको मिलने वाला है टाइप सी का चार्जिंग केबल, बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है, इतने कम प्राइसिंग में आपको टाइप सी का चार्जिंग केबल प्रोवाइड किया गया है टू चार्ज योर ईयरबड्स केस एंड सम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू योर ईयर कंफर्ट। अब हम आएंगे मेन प्रोडक्ट पे, दिस इज द हॉप अप जाइव ईयरबड्स केस यू विल बी गेटिंग। बिल्कुल आपको कॉम्पैक्ट ईयरबड्स का केस मिल जाएगा, प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी मेंटेन की गई है कम प्राइसिंग में। फ्रंट में आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, नीचे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा टू चार्ज ईयरबड्स केस एंड काफी कॉम्पैक्ट है, इसको आप पोर्टेबल तरीके से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है। एंड जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो दोनों ही बड्स आपको प्रॉपरली पैक मिल जाएंगे, अच्छा खासा लुक एंड फील भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसमें आपको मैग्नेटिक लॉक्स आने वाले हैं, बिल्कुल गिरने के चांसेस नहीं है बड्स के केस के थ्रू, प्लस पॉइंट है। लेट अस जस्ट रिमूव द ईयरबड्स फ्रॉम द केस एंड लेट सी हाउ दीज आर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रॉपर स्टैम शेप के ईयरबड्स एंड जो प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी मेंटेन की गई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको एप्पल एयरपॉड्स प्रो का लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भले इसका प्राइसिंग कम हो, बिल्कुल आपको अच्छा खासा स्टेम शेप का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। एंड प्लस पॉइंट इसकी ये है कि इसमें आपको मिलने वाला है फुल टच कंट्रोल्स, एक्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.0, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, फुल टच कंट्रोल से ज्यादा आता है ये, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाएगा, 3 to 4 hours का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज एंड टोटल आपको अप्रॉक्सिमेटली 16 hours का मैसिव प्ले टाइम मिल जाएगा ओवरऑल विद द चार्जिंग केस। यार देखा जाए जस्ट 800 रुपीज़ के हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशंस, इसका लुक एंड फील बहुत ही बिल्कुल बढ़िया मिल रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया इसके लुक एंड फील और स्पेसिफिकेशंस के। बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, बिल्कुल आपको कॉम्पैक्ट ईयरबड्स का केस मिल जाएगा, इस सच कोई आपको डेडिकेटेड इसमें बटन प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इसको आप बिल्कुल ईजी तरीके से पोर्टेबल तरीके से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, स्क्रैचेस लगने के चांसेस नहीं है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की गई है कम प्राइसिंग में। एंड बात करेंगे बड्स की, बड्स आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेम शेप के ईयरबड्स मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का देखते से आप बोल सकते हैं आपको लुक एंड फील एप्पल एयरपॉड्स प्रो थोड़ा बहुत दिखने को लगेगा फ्रंट से, लेकिन आपको बिल्कुल प्लास्टिक क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बिल्कुल कानों में सिक्योर तरीके से फिट होते हैं इनको, अगर आप वर्कआउट के टाइम, रनिंग के टाइम भी यूज कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे तो गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं है इनको, आप डेफिनेटली रनिंग के टाइम, हैवी वर्कआउट के टाइम यूज कर सकते हैं, अच्छा आपको सिक्योर फिट भी मिल जाएगा, बहुत ही लाइट वेट ईयरबड्स हैं। एंड इसकी एक और सबसे प्लस पॉइंट, इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, वो भी फुल टच कंट्रोल्स, इतनी कम प्राइसिंग में आपको फुल टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, म्यूजिक पॉज होगा, सिंगल टैप से ही आंसर और रिजेक्ट कॉल होगा। अगर आप किसी भी ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को आप ट्रिपल टैप करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा, राइट ईयरबड को आप ट्रिपल टैप करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, एंड लेफ्ट ईयरबड को आप लॉन्ग प्रेस करते रहेंगे हल्के हल्के एक एक सेकंड के लिए तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, राइट ईयरबड को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे एक एक सेकंड के लिए तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। सो फुल आपको टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, जो कि आपको 2-3 ईयर के ईयरबड्स में भी नहीं मिलते, 800 रुपये में आपको फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और बिल्कुल सही तरीके से इसके टच कंट्रोल्स वर्क करते हैं, मुझे कोई इसके रिस्पांस को लेके कोई दिक्कत नहीं लगी। अब हम बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, मैं आपको एक BGMI का गेम टेस्ट देता हूं, हालांकि कम प्राइसिंग में इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है वो हम चेक करते हैं।
सो मैंने BGMI खेला और यार सरप्राइजिंगली मुझे कम प्राइसिंग में गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी हद तक बढ़िया मिल गया। अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग करते हैं, दिन में 1 से 2 या 3 घंटे भी गेम्स खेलते हैं, नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कैजुअल गेमिंग के लिए, अच्छी खासी गेमिंग के लिए कंसेशन में रख सकते हैं। अगर आप डेडिकेटेड हार्ड कोर गेमर, तो मैं बोलूंगा इसमें आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लैग देखने को मिल सकता है कहीं कहीं जगह, लेकिन आप बिल्कुल फिर भी प्राइसिंग के हिसाब से गेमिंग एक्सपीरियंस काफी हद तक आपको इंप्रेसिव मिल जाएगा। इसमें बात करेंगे हम मेन, देयर इज अ साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। यार इसमें आपको साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है, फुल वॉल्यूम पे डेफिनेटली सुन सकते हैं, एडिकेट लाउडनेस दी गई। अगर आप बिल्कुल लाउड म्यूजिक, मेटलिक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो हो सकता है आपको लोबी बहुत लाउडनेस कम लगे, लेकिन आपको डिसेंट लाउडनेस मिल जाएगी। और बिल्कुल जो बोलते हैं ना, बिल्कुल अप टू द मार्क क्लैरिटी, फुल वॉल्यूम पे आपको उतनी नहीं लग सकती, लेकिन अगर इसको 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको वोकल्स क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी। ट्रेवल्स अच्छे दिए गए इसमें, ट्रेवल्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन वोकल्स की क्लैरिटी फुल वॉल्यूम में हल्की फुल्की डगमगाई लगी, लेकिन 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा प्राइसिंग के हिसाब से। बेस इसमें डिसेंट पावरफुल है, अगर आप प्योरली बेस लवर है तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बेस कम लगे, लेकिन अगर आपको हल्के हल्के बेस इफेक्ट्स चाहिए, हल्के हल्के कानों में लगना चाहिए कि बेस इफेक्ट्स आ रहा है सराउंडिंग, उसके लिए आप ऑप्शन में रख सकते हैं। डिसेंट आपको पावरफुल बेस मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ओवर पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं मिलेगा। बात करेंगे कॉलिंग की, मैं आपको एक आउटडोर कंडीशन में कॉलिंग टेस्ट देता हूं, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। सो अभी जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हॉपअप जाइव से, आउटडोर कंडीशन में बातें कर रहे हैं, दिवाली का मौसम चल रहा है, आने वाली दिवाली, जो भी आपसे बातें कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि सामने वाला पर्सन कैसे सुन पाएगा, ईयरबड्स के थ्रू एक छोटा सा कॉलिंग टेस्ट था ये मेरी तरफ से। आउटडोर कंडीशन ही कॉलिंग टेस्ट, जैसे कि आपको अंदर लग सकता है इससे कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। कॉलिंग एयर समय को डिसेंट लगे, अगर आप घर के अंदर कॉलिंग करते हैं, इंडोर कंडीशन में कॉलिंग करते हैं तो ठीक है, आपको तो बिल्कुल सामने वाली आवाज़ क्लियर आएगी, भले आप इंडोर या आउटडोर कंडीशन हो, लेकिन सामने वाले को आपकी आवाज़ हो सकता है थोड़ी बहुत क्लियर ना है आउटडोर कंडीशन में, थोड़ी बहुत आपको कम आवाज़ आए और थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है आउटडोर कंडीशन में। इंडोर कंडीशन के लिए आपको डिसेंट अच्छी खासी कॉलिंग देखने को मिल जाएगी। अब हम करेंगे रेटिंग्स, देयर इज अ साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। मैं प्राइसिंग के हिसाब से रेटिंग करूंगा, जस्ट 800 रुपये इसका प्राइसिंग है, उसको कंसेशन में रख के हम रेटिंग करेंगे। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 4 out of 5, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 4 out of 5, और मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 4 out of 5। सो दीस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, जस्ट 800 रुपीज। और हालांकि देखा जाए इसमें मेरे को जो म्यूजिक बेस और कॉलिंग का एक्सपीरियंस है इक्वली लगा, अगर आप कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग करते हैं, डिसेंट पावरफुल बेस सुनते हैं, कैजुअल कॉलिंग करते हैं, अगर आपको कैजुअल ओवरऑल एक अच्छे पर्पज के लिए, अगर आप ज्यादा यूसेज नहीं करते हैवी यूसेज बिल्कुल आप ईयरबड्स का, और 800 रुपये में आप ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, बिल्कुल परफेक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे भी ईयरबड्स यूज कर सकते हैं कॉलिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, गेमिंग के लिए, इसको आप डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं, एक अच्छा खासा ऑप्शन है, प्राइसिंग के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है मुझे, इसको बिल्ड क्वालिटी को लेके, स्पेसिफिकेशंस को लेके, इसके ओवरऑल आउटपुट को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। मैं लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, हॉपअप ब्रांड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अनबॉक्स कर चुका हूं, रिव्यू कर चुका हूं, मैं करता रहता हूं, क्योंकि जब बहुत कम प्राइसिंग में आपको एक अच्छे खासा ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपका प्राइसिंग से 500-1000 रुपये के अंदर आपको ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, नेक बैंड और हेडफोन्स चाहिए, इनको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं कम प्राइसिंग में। अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है, अपने पर्सनल यूसेज के लिए भी चाहिए, तो उनको डेफिनेटली फ्लिपकार्ट अवेलेबल रहते हैं प्रोडक्ट्स, और साथ ही में इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसको आप विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको सारी के सारी इनकी जो वैरायटीज है आपको देखने को मिल जाएगी अलग अलग प्रॉपर कैटेगरीज में। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, आप जाकर बिल्कुल चेकआउट कीजिए, एंड कुछ भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं यहां बैठा ही हूं आपको हेल्प आउट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च हॉपअप जाइव ट्रू वायरलेस ईयरबड्स एट जस्ट 800 रुपीज। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.